जगदीश फिर लेखक से पूछता है, बताइए न सर, क्या अभिशाप मिला था यक्षिणी को? लेखक जगदीश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जानने के लिए तुम्हें मेरी किताब के दूसरे भाग के आने का इंतजार करना पड़ेगा, समझे? अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सर, किताब बेचने की। वो तो होगी जगदीश, किताब बेचता हूँ और उस किताब के साथ अपने दर्द भी, तो नाजुओं के पैसे तो वसूलूंगा ही ना। बस एक बात दिमाग में रखना, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। मतलब यक्षिणी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था, है ना सर? मैंने कहा ना, अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, जो जानना है किताब का दूसरा भाग पढ़कर जानना, समझे? बातें करते करते लेखक की सिगरेट खत्म होने वाली थी, उसमें बस एक दो कशी बचे थे। जगदीश हिचकिचाते हुए फिर लेखक से पूछता है, सर एक बात पूछूं? तुम नहीं मानने वाले ना? ठीक है पूछो। सर आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं, या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो जाता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो और उसको कुछ ऐसा याद आ गया हो जो वो जगदीश को नहीं बताना चाहता था। जगदीश लेखक पर दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? क्या कभी आपका यक्षिणी से सामना हुआ है? लेखक सिगरेट की कश लेकर धीरे से कहता है, मेरा यक्षिणी से सामना नहीं, बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी फोन कट जाता है। लेखक अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, फोन कैसे कट गया? लगता है नेटवर्क चला गया। ये गांव में यही प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं चलता कब नेटवर्क आता है और कब चला जाता है। इतना कहकर लेखक उसकी कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। उसका एक पैर जो था वो सही से काम नहीं करता था, जिसके कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। उस लेखक ने बैसाखी के सहारे अभी एक दो कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती है। लेखक कमरे के आगे लगे बल्ब को देखता हुआ कहता है, अरे अभी लाइट को क्या हो गया अचानक? देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि लेखक को उसके हाथ पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये हो क्या रहा है आज? कहीं वो आ तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने खुद से इतना ही कहा था कि तभी कमरे का दरवाजा जो बंद था वो अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लग जाता है। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आ, मेरा पैर! लेखक धीरे धीरे अपने पैर की तरफ देखने लग जाता है, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक जैसे ही अपने हाथ अपने पैर पर रखता है, उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ के ऊपर रखा हुआ था। लेखक डर जाता है और झट से अपना हाथ अपने पैर से हटा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ था। लेखक जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जा सकता था, उतनी फुर्ती से जाने लग जाता है। लेखक दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। कुछ देर तक लेखक और यक्षिणी की बातें चलती हैं, पर उन दोनों की बातों की आवाज दरवाजे के बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद लेखक की एक जोर से चीख सुनाई देती है। ये एक ऐसी चीख थी जो दिल को दहला कर रखते। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहकर दरवाजे के बाहर आने लग जाता है। 13 साल बाद ट्रेन जो कि तेज रफ्तार के साथ पटरी पर भागी जा रही थी, ठीक उस तरह जिस तरह हमारी जिंदगी भागती है। पर कितना है, ट्रेन स्टेशन आने पर रुकती है, पर हमारी जिंदगी कभी नहीं रुकती है जब तक हमारी सांसें ना रुक जाएं। युग, जिसकी उम्र 26 साल, गोरा रंग, चेक शर्ट, ब्लैक पैंट पहनकर विंडो सीट पर बैठा हुआ था और अपने कानों में हेडफोन डालकर पॉकेट एफएम पर भूतिया कहानी मेघ एक श्राप सुन रहा था। कहानी सुनते ही युग विंडो के बाहर दिख रहे मेघालय के गारो पहाड़ की हसीन वादियों का मजा ले रहा था। वही गारो पहाड़ जिसका नामकरण तिब्बती तथा बर्मी जनजाति गारो पर हुआ था। गारो पहाड़ नीस चट्टान का बना हुआ था। पहाड़ों को चारों तरफ से सफेद बादलों ने घेर लिया था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों ने बादलों की सफेद चादर ओढ़कर रखी हुई हो। उन्हीं बादलों को देखते देखते युग की आंख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले युग की आंख लगी ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका हाथ छू रहा था। कोई बार बार युग का हाथ पकड़कर हिला रहा था। युग बौखलाहट के साथ उठ जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके चेहरे के जस्ट सामने एक बूढ़े का चेहरा था जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बूढ़े ने सफेद मटमैली सी धोती पहनी हुई थी। उसके हाथ पैर कंपकंपा रहे थे। युग सोचने लग जाता है, पहले तो ये बूढ़ा मेरे सामने नहीं बैठा था, ये पूरी सीट खाली थी, अचानक कहां से आ गया? अगले ही पल युग खुद ही इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है और मन ही मन सोचता है, लगता है जब मेरी आंख लग गई थी तभी आकर बैठ गया था। युग गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या हरकत है बाबा? वो बूढ़ा खांसते हुए कहता है, माफ करना बिटुआ, पर क्या करूं, तुमसे कुछ काम था इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, काम था आपको मुझसे? क्या काम था? वो बेटा, मुझे जानना था कि वक्त क्या हुआ है। ये बात सुनकर युग का दिमाग घूमने लग जाता है और वो गुस्से के साथ अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है, 11 बजने वाले हैं। अच्छा, मतलब एक घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा। युग कुछ जवाब नहीं देता और उस बूढ़े को घूरने लग जाता है। वैसे बिटुआ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? युग उस बूढ़े के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो मेहंदी पथार जा रहा हूँ। मतलब तुम भी मेहंदी पथार जा रहे हो? युग उस बूढ़े के सामने उंगली करते हुए कहता है, मतलब आप भी? हाँ बिटुआ, चलो अब सफर आसान हो जाएगा, जब कोई बात करने वाला मिल जाता है तो सफर जल्दी कट जाता है। तुम मेहंदी पथार में कहाँ जा रहे हो? मेहंदी पथार से 5 किलोमीटर दूर ही बंगला मुडा गाँव है ना, वहीं पर जा रहा हूँ। बंगला मुडा में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं क्या? नहीं, बंगला मुडा गाँव में तो नहीं, पर रोंगका मुचा गाँव में रहते हैं। अरे ये क्या बात हुई बेटा, जब तुम्हारे रिश्तेदार रोंगका मुचा गाँव में रहते हैं तो फिर तुम बंगला मुडा गाँव क्यों जा रहे हो? इस सवाल को सुनकर युग खामोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बूढ़े ने युग की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया था, कुछ ऐसा पूछ लिया हो जिसका जवाब वो शायद अपने आप को भी नहीं देना चाहता था। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, चलो नहीं बताना तो मत बताओ, बंगला मुडा में कहाँ रुकने वाले हो? बंगला मुडा गाँव के बाहर जो ग्रेवयार्ड कोठी पड़ती है ना, उसमें ही रुकने वाला हूँ। वो बूढ़ा हैरानी के साथ कहता है, वो अंग्रेजों के जमाने की कोठी जिसे कब्रिस्तान पर बनाया गया था? हाँ वही ग्रेवयार्ड कोठी, पर वो तो पिछले 13 साल से बंद है ना। हाँ बंद है, पर अब नहीं रहेगी, मैं आज रात ही उस कोठी को खोल दूंगा। नहीं बिटुआ, ऐसा मत करना,
तुम्हें उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में पता नहीं क्या? क्या नहीं पता? आप साफ साफ कहेंगे क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम बचपन में उस गांव में रहे हो तो ये तो पता ही होगा कि यक्षिणी किश्नोई नदी के पास भटका करती थी। युग उस बूढ़े की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। वो गौर से उसकी बातें सुन रहा था। वो बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है उस यक्षिणी के एक नहीं दो ठिकाने थे, पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? ग्रेवयार्ड कोठी? हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी। गांव के लोगों ने कई बार यक्षिणी को ग्रेवयार्ड कोठी के पास भी पटकते देखा था। यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून चूस कर उन्हें मार दिया करती थी। इसका मतलब पापा ने बचपन में जो कहानी मुझे सुनाई थी वो कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। बिटुआ, किस कहानी की बात कर रहे हो तुम? बूढ़ी की बात सुनकर युग अपने अतीत की यादों में खो जाता है। उसको याद आता है वो पल जब वो 10 साल का था और अपने पिता से बातें कर रहा था। पापा पापा, क्या कर रहे हो आप? युग ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं बेटा, कहानी लिख रहा हूँ। युग के पिता ने टाइपराइटर पर कहानी टाइप करते हुए कहा। क्या कहा पापा? कहानी? कौन सी कहानी लिख रहे हैं पापा? यक्षिणी की कहानी बेटा। पापा, मुझे भी यक्षिणी की कहानी सुनाइए ना। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम डर जाओगे। जब बड़े हो जाओगे तब सुनना, ठीक है? युग उदास हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, प्लीज पापा सुनाइए ना, मैं नहीं डरूंगा, प्रॉमिस। और आप ही कहते हैं ना कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े बच्चे डरते नहीं है बल्कि डराते हैं, तो प्लीज पापा मुझे यक्षिणी की कहानी सुनाइए ना। युग जिद करने लग जाता है और युग की जिद के आगे उसके पापा हार मान जाते हैं और उसे यक्षिणी की कहानी सुनाने लग जाते हैं। कहते हैं ये जो अपनी किश्नोई नदी है ना, बहुत सालों से वहाँ पर यक्षिणी डायन रहा करती थी। युग हैरानी के साथ कहता है, ये बंगलामुडा और रोंकामुडा गांव के बीच में जो नदी पड़ती है वहीं पर पापा? हाँ बेटा, वहीं पर। ये जो यक्षिणी होती है ये जंगलों में या पानी वाली जगहों के पास पाई जाती है। हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आने जाने वाले मुसाफिरों को जो रात में नदी पार किया करते थे उन्हें ये लुभाती थी और अपने रूप के जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाया करती थी। कहते हैं यक्षिणी को कमल और चमेली के फूल बहुत पसंद होते हैं। वो हमेशा उसे अपने पास रखा करती थी। जिन पुरुषों को यक्षिणी अपना शिकार बनाती थी उन्हें वो सबसे पहले कुछ खाने का दिया करती थी। खाने का? पर क्यों पापा? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो उस खाने में ऐसा मंत्र फूंकती थी कि जो भी पुरुष उसे खाता था वो उसके वश में हो जाता था। ऐसे ही एक बार यक्षिणी ने एक पुरुष को अपना शिकार बना लिया और उसे अपने वश में करने के बाद उसके साथ संभोग करने लगी। युग बीच में ही बोल पड़ता है, ये संभोग क्या होता है पापा? युग का सवाल सुनकर युग के पिता चुप हो जाते हैं और वो बात को घुमाते हुए कहते हैं, ये आपके मतलब की चीज नहीं है बेटा, आप अभी छोटे हो ना, जब आप बड़े हो जाओगे तब हम इसका मतलब बताएंगे, अभी आप कहानी पर ध्यान दो। ठीक है पापा, फिर आगे क्या हुआ? संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती थी। यक्षिणी का असली रूप बेहद डरावना होता है, इतना डरावना कि जिसे देखकर किसी के भी दिल की धड़कन थम जाए। अपने असली रूप में आने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के दिल का खून चूस लेती थी। पर वो ऐसा क्यों करती थी पापा? क्या वो बुरी औरत थी? नहीं बेटा, यक्षिणी बुरी औरत नहीं थी बल्कि वो तो बहुत अच्छी औरत थी, दूसरे लोग से आई हुई एक अप्सरा की तरह थी। तो फिर पापा वो आदमियों के साथ, वो क्या बोला था आपने? हाँ याद आया, संभोग करके क्यों मार देती थी? युग के पिता कुछ याद करते हुए कहते हैं, अभिशाप के कारण बेटा। कैसा अभिशाप पापा? बेटा वो अभिशाप ये था कि, युग के पिता ने इतना ही कहा था कि बाहर के कमरे से युग की माँ की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा, चलो आओ खाना खा लो, खाना बन गया है। युग अपनी माँ को मना करते हुए कहता है, नहीं माँ मुझे अभी खाना नहीं खाना है, मैं पापा से कहानी सुन रहा हूँ। क्या कहानी सुन रहे हो? तुम्हारे पापा को कहानी लिखने और सुनाने के सिवा और कुछ आता भी है? जब देखो दिन भर कहानी लिखते रहते हैं, खुद तो बिगड़े हुए हैं, तुम्हें भी बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। चलो जल्दी आओ खाना खाने, मैंने खाने की थाली बना ली है तुम्हारे लिए। नहीं माँ मैं नहीं आ रहा, कहानी खत्म होने के बाद ही आऊंगा। क्या कहा? नहीं आ रहे? लगता है मुझे ही आना पड़ेगा, रुको अभी बेलन लेकर आती हूँ तभी तुम मानोगे। पायल की बजने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे युग की माँ युग के कमरे की तरफ आ रही हो। कुछ ही देर में युग की माँ हाथों में बेलन लेकर उसके कमरे में आ जाती है। युग को उसकी माँ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके बचपन की यादों से उसकी माँ का चेहरा मिट चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। उसको उसकी माँ की बातें तो सारी याद थी पर उनका चेहरा नहीं। युग की माँ उसका कान पकड़ते हुए कहती है, तो क्या कह रहे थे बेटा तुम कि तुम्हें खाना नहीं खाना, जरा एक बार और बोलना। युग चीखते हुए कहता है, अरे माँ कान छोड़िए दर्द हो रहा है, माँ कान छोड़िए, कान तो छोड़िए आप माँ, दर्द हो रहा है माँ। मामा कहते हुए ही युग अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाता है। जब युग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे हिला हिलाकर पूछ रहा था, अरे ओ बिटुआ कहाँ खो गए, ठीक तो हो तुम, और ये मामा क्यों बोल रहे हो? अरे बिटुआ, युग बूढ़े की बात का जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं बाबा ठीक हूँ मैं तो डर ही गया था। युग बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहता है, बाबा एक बात पूछनी थी आपसे, क्या वो यक्षिणी अभी भी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती है? सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।